आज किसी वीडियो को देखने के बाद आपका रील वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने वाला है और काफी तगड़े तरीके से आपके लाइक और फॉलोअर्स इंक्रीज होने वाले हैं। बट उससे पहले आज का आपको वीडियो देखना पड़ेगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी हर रील वीडियो के अंदर 10,000 से 20,000 व्यूज रहने वाले हैं एंड आपका रील वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने वाला है। बट उसके लिए आज का वीडियो पूरा देखना है एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिव त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिव रंजनी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना क्योंकि मैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको अपना रील वीडियो वायरल करना है उसके बारे में बात करने से पहले एक भाई ने मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पहले उनका यहाँ पे आंसर कर देते हैं। तो यार यही क्वेश्चन मेरे को काफी ज्यादा लोग करते हैं। तो इनका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब मैं पहले अपनी रील वीडियो को अपलोड करता था तो उसमें 500+ व्यूज आते थे, बट अभी के टाइम पे मैं अपनी रील वीडियो को अपलोड करता हूँ तो उसमें 40-50 ही व्यूज आते हैं। यार यही क्वेश्चन में से काफी लोग करते हैं। तो यार इसका मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता हूँ और ये प्रॉब्लम होता क्यों है पहले मैं आपको वो चीज यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यार ये प्रॉब्लम इसलिए होता है, मान लो काफी सारे लोग क्या करते हैं वो रील वीडियो को अपलोड करते हैं एंड खुद से ही अपने रील वीडियो को 2 से 4 बार देखते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है इंस्टाग्राम जो रहता है वो आपकी रील को फ्रीज कर देता है एंड यहाँ पे कोई भी व्यूज नहीं देता। एंड काफी सारे लोग एक मिस्टेक और करते हैं, वो अपनी रील वीडियो को अपलोड करते हैं और अगर उनकी रील पे कम व्यूज आते हैं तो वो अपनी रील वीडियो को डिलीट कर देते हैं एंड उसको दोबारा से अपलोड करते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपके रील वीडियो पे 5 व्यूज आ रहे हैं 10 व्यूज आ रहे हैं बट अपने रील वीडियो को अपलोड करके छोड़ देना है एंड खुद से वॉच नहीं करना है तो आपका रील वीडियो वायरल होने लग जाएगा। बट अगर आप उसको डिलीट कर देते हो तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा एंड कभी भी आपका रील वीडियो वायरल नहीं होगा। एंड अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको अपने रील वीडियो को अपलोड करना है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड ज्यादा से ज्यादा वायरल हो सके। तो अब मैं आ चुका अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है एंड अपनी आईडी पे पहुंच जाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ एंड प्रोफाइल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ रील वीडियो क्रिएट करके रख रखे हैं, ड्राफ्ट में सेव कर रखा है, उन पे मेरे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, टैप करने के बाद मैं नीचे वाली वीडियो पे टैप करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो यार कुछ लोगों के साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, समथिंग वॉन्ट रॉन्ग प्लीज टैग एन, ये वाला अगर आपके साथ प्रॉब्लम है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हो और आप इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपना रील वीडियो वायरल करना है। तो जो हमारी ऊपर वाली रील वीडियो है यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ किसी भी एक रील वीडियो पे और ऊपर वाली जो वीडियो है उस पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। अब आपको किस तरीके से अपलोड करना है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो टाइटल आपको कुछ भी नहीं लिखना है, टाइटल की जगह आपको यहाँ पे 3 इमोजी लगा लेने हैं जिससे हुआ क्या जो आपकी रील वीडियो है उस पर एक सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 इमोजी लगा लेता हूँ एंड 3 इमोजी लगाने के बाद आपको नीचे साइड डॉट डॉट करके ऐसा नीचे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे हैशटैग यूज़ करने पड़ेगी, यहाँ पे 3 या 5 हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक हैशटैग यूज़ करता हूँ, हैशटैग वायरल, ठीक है, पहला हैशटैग आपको ये यूज़ करना है। एंड सेकंड हैशटैग आप खुद का एक हैशटैग बना सकते हो, जैसे मैंने बना रखा है शिव रंजनी, ऐसे आप इसी तरीके से आपका जो यूज़र नेम है आप उसके हिसाब से भी एक हैशटैग बना सकते हो। एंड आपको जो थर्ड हैशटैग रहने वाला है वो रहने वाला है हैशटैग रील, आप यहाँ पे 3 या 5 हैशटैग यूज़ करिए एंड उसके बाद आपको रील वीडियो किस तरीके से अपलोड करना है वो चीज़ मैं आप समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है ऑल्सो शेयर टू फीड, ठीक है, आपका जो ये ऑप्शन होगा ये ओपन होगा, आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या नीचे के साइड आपको शेयर देखने के लिए मिल रहा है और जैसे आप ये ब्लू कलर का जो आपको आइकन है इस पे जैसे आप पे टैप करते हो एंड इसको ऑफ करते हो तो आप पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है शेयर टू रील, मतलब अब जो हमारा रील वीडियो है ये सिंपल से यहाँ पे रील पे जाने वाला है एंड यहाँ पे ये जो हमारे मतलब जिन लोगों ने मेरे को फॉलो करा है उनके पास नहीं जाएगा, ये यहाँ पे इंस्टाग्राम रील पे जाने वाला है फीचर्ड होगा मतलब, और कुछ लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करेगा और अगर उन लोगों को मेरा ये वाला रील पसंद आता है तो यार ये रील पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड मेरा जो रील है ये यहाँ पे वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने हर रील वीडियो को अपलोड करना है जिससे कि वो आपके प्रोफाइल पे नहीं शो हो, सिर्फ यहाँ पे रील पे शो हो और आपका अगर रील वीडियो यहाँ पे वायरल हो जाता है तो वो यहाँ पे नए नए पर्सन के पास जाने वाला है तो आपको यहाँ पे लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे एंड यहाँ पे फॉलो भी कर लेंगे। इस ट्रिक को आपको कंटिन्यू 15 दिन तक यूज करना है एंड रेगुलर आपको यहाँ पे 3 वीडियो अपलोड करना है जिस तरीके से मैंने बताया, इसी तरीके से आपको हर रील वीडियो को अपलोड करना है एंड आपको 15 दिन में आपको यहाँ पे प्रूफ देखने के लिए मिल जाएगा किस तरीके से आपके रील पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर होता क्या है, अगर आपके इसके बाद भी व्यूज नहीं आता तो हो सकता है आपका इंस्टाग्राम आईडी फ्रीज हो, तो अगर आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी चेक करने के फ्रीज है या नहीं तो उसके लिए ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हो एंड अपने इंस्टाग्राम आईडी को भी अनफ्रीज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जी जरूर से कर देना क्योंकि मैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं कभी किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।